खोने को कुछ भी नहीं है और भाई साहब कर दिखाने को बहुत कुछ है। अगर मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि आप जो है अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं करी है, जीरो हुआ, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या पेपर देना चाहिए? बिल्कुल हाँ। 1% भी ये मत सोचना कि छोड़ रहा हूँ। और याद रखना, पेपर छोड़ोगे तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिखेगा आपको लगेगा इससे आसान क्वेश्चन पेपर ICAI की हिस्ट्री में नहीं आया। बिलीव मी, आपको यही लगेगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी भी आप अपना गेम खेलो ना, आप सोच के देखो कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो यार और पीछे विकेट ही नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। उठाओ बल्ला, घुमाओ, आने दो कैसी मर्जी बॉल, ट्राई करके आएंगे, पक्की बात है, ठीक है ना। तो 1% भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि मैं गिव अप कर दूंगा। 1% भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि मैं पेपर नहीं दूंगा। 1% भी ये मत सोचना कि हाय मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। आप पढ़ पाए हो ना पढ़ पाए हो, अभी भी कुछ भी आप पढ़ के जाओगे और सोचो वही पेपर में लग गया तो सोच के देखो। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने बताया था कि एक पेपर में उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उन्होंने एक्चुअली, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़े टीचर हैं, आप शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी आपने उनके साथ, उन्होंने बताया था कि मैं लास्ट में बस ना ऐसे पेपर कोई भी बुक खोलता था और बुक में जो पेज खुल जाता था वो पढ़ के गया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 थी और उस पेपर में, जिस पेपर में उन्होंने ये कार्यक्रम किया था जिसमें बहुत डर रहे थे, उनके 40 नंबर थे। यानी कि आप सोचिए देखिए, 40 या 42 नंबर थे कि वो फिर भी पास हुए उस पेपर में और बाकी पेपर में अच्छे नंबर ले आए और रैंक लेके आए। और आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस गिव अप नहीं करना है, राइट? चलिए लग जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।